अब तक आपने देखा गोपी के घर उसकी सगाई की तैयारी हो रही है। मही सागर को लेकर पुलिस स्टेशन आई है और वो इंस्पेक्टर गणपत को राहुल इंजीनियर के बारे में जानकारी देती है। मही और सागर दोनों राहुल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये चर्चा करते हुए गोपी के घर जा रहे हैं। गोपी मही पे गुस्सा करती है कि अब तक वो तैयार क्यों नहीं हुई। मही और सागर दोनों तैयार हैं, तभी गणपत का उनको फोन आता है कि राहुल इंजीनियर पकड़ा गया। मही और सागर पुलिस स्टेशन आकर कहते हैं कि इससे सारा सच उगलवाओ, हम गोपी के घर वालों को ये बात बताते हैं। दोनों गोपी के घर आते हैं और जैसे ही मही राहुल इंजीनियर के बारे में बताने जाती है कि सागर के टैब पे न्यूज आती है कि राहुल इंजीनियर दिल्ली में पकड़ा गया। मही राहुल से माफी मांगती है पर इतनी बेइज्जती होने के बाद राहुल सगाई के लिए मना कर देता है। अब आगे मही भी जहाँ जाती है ना वहीं बस जाती है, ना कोई फोन ना कोई पता, मुहूर्त बीता जा रहा है। मुझे भी यही टेंशन है राजू। राजू हेमू तुम दोनों बाइक लेकर जाओ, अगर पंचर निकालने में देर लग रही है तो राहुल कुमार और उनके माता पिता को बाइक पर बिठा कर लेके आओ, मुहूर्त का समय निकल जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है गाथा। हेमू एक मिनट, बापूजी मेरा दूल्हा पहली बार आ रहा है, वो बाइक पे आएगा तो कैसा लगेगा। हेमू तू मही को फोन कर, पता कर वो कहाँ है। यार मैंने फोन लगाया था, मही का नंबर लग ही नहीं रहा है। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ। मैं नहीं आऊंगा। नहीं नहीं आने पड़ेगा आपको। हम नहीं आ रहे। राहुल जी ऐसा मत कर। हाँ मोटी बहन। हेमू हम लोग आए हैं। हम नहीं आ रहे हैं। अरे अरे कुछ नहीं, वो गैरेज वाले अंदर अंदर बातें कर रहे हैं। तू बाबूजी को बोल सगाई की विधि शुरू करा, हम लोग पहुँच रहे। आ रही है वो गैरेज वाला। ये तो बहुत बड़ी उपाधि दे दी मैडम आपने, मैं तो भिखारी लग रहा हूँ भिखारी। और आपका कॉन्फिडेंस तो देखो, मैं मना कर रहा हूँ उसके बाद भी आप तेरी क्या बारे। वाह राहुल जी देखिए मैं बहुत अफसोस है कि आपको इतनी तकलीफ हुई, प्लीज चलिए ना। राहुल जी सॉरी सॉरी सॉरी, आपको हो तो मैं आपके पैर धोकर पी लूं, बुजुर्गों की तरह दया की भीख मांग लूंगी, मेरी पगड़ी आपके पैरों में रख दूंगी, पर प्लीज चलिए। सॉरी सॉरी। अब जो कुछ भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, अब प्लीज चलिए ना। गांव में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और गोपी, गोपी तो बेचारी टेंशन में आ गई होगी। राहुल जी ये सब हुआ, इसमें गोपी की क्या गलती है, आप उसे क्यों सजा दे। सॉरी राहुल जी, वो तो शायद ये भी सोच रही होगी ना कि उसी में कोई कमी थी इसलिए आप सगाई के लिए नहीं आ रहे हो, वो डिप्रेस हो जाएगी। राहुल जी डिप्रेस हो जाएगी। हाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी सजा मैंने तो भुगती है, पर उसका बदला लेने के लिए मैं गोपी को सजा क्यों दूं, उसने क्या बिगाड़ा मेरा। लेकिन मेरा ये हाल हवाल, मैं ऐसी कैसी सगाई करूं। अरे राहुल जी आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ना मेकअप वाले को फोन कर दूंगी, वो फिल्म में ना चोट के दाग बनाने के लिए मेकअप करता है, तो आज चोट छुपाने के लिए मेकअप कर देगा, हो जाएगा, वो ना आपको मस्त चकाचक तैयार कर देगा। हाँ आप कुर्ता पहन लो, कुर्ता पहन लो। पुलिस वालों ने इतना मारा कि मेरा कुर्ता भी फाड़ दिया। आप टेंशन क्यों ले रहे हो राहुल जी, वो मैं टांके मरवा लूंगी ना, आप पहन लो ना, प्लीज पहन लो। आप लोग दो मिनट रुको, मैं घर चमका को लेकर आती हूँ। आप कुर्ता पहन, अभी आती हूँ। मुच्छड़ काका, मुच्छड़ काका, मुच्छड़ काका, मुच्छड़ काका सुनो। अरे मुच्छड़ काका एक बार तो नजरअंदाज कर गए क्या। यही कि अगर बड़े साहब आ गए और उन्होंने आपसे पूछ लिया
कि राहुल इंजीनियर की आपको जानकारी मिली। मिली तो मिली, पर बिना इंक्वायरी किए आपने उनको गिरफ्तार क्यों किया? गिरफ्तार किया तो किया, पर इतना मारा क्यों? तब क्या कहोगे? मैं बड़े साहब को पता लगने ही नहीं दूंगा। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। घनश्याम काका है ना, बता देंगे बड़े साहब को सब कुछ। देखो मुंडी हिला रहे, हाँ कह रहे वो। हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। अब क्या करूं? तो काम कीजिए मुच्छर काका, आप ना घनश्याम काका को यहाँ से रफू चक्कर कर दीजिए। हाँ, और उनके साथ साथ आपका टेंशन भी चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाजी फिट्टूस, हाँ छोड़ देना हाँ। मही क्या बोल के गई? गणपत साहेब, ये मही है मही। जैसे कृष्ण की लीला सिर्फ कृष्ण जानते हैं, वैसे ही मही की लीला सिर्फ मही ही जानती है। अब आपकी भलाई इसी में है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से रिहा कर दीजिए। अगर 10 मिनट में विधि शुरू नहीं की ना, तो अगले महीने के बाद मुहूर्त निकलेगा। फिर इस बार महीने कोई गड़बड़ की ना, तो याद रखना मैं उसको माफ नहीं करूंगा। ए मही आ गई। देर हो गई। तो बाबूजी, आपने अभी तक मंत्रोच्चार शुरू नहीं किए। हेमू, मैंने तुझसे कहा था ना कि बाबूजी को बता देना। पर आप सबके फोन। अरे मेरी फोन की बैटरी मर गई, सागर जी के तो फोन का नेटवर्क ही गुजर गया, और हमारी गोपी के होने वाले दूल्हे का तो फोन ही चोरी हो गया। बाबूजी, ये सब मैं आपको बातें बताऊंगी ना, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, शुरू कीजिए ना। ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। आइए राहुल कुमार, आइए संधि जी, आइए 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 आइए। जमाई राजा, मेरा खड़ी गांव में आपका स्वागत है। अरे राहुल कुमार, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? अरे काका, हुआ यूं कि मैं जब काले पंचर वाले को लेकर पहुंची ना, तब तक हमारे इंजीनियर साहब ने तो बोट वोट उतार के मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। बताओ तो, उसी में उनको थोड़ी सी चोट लग गई पाँव में, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी है ना। ठीक है ठीक है, चलो आओ आओ अंदर। आइए आइए, मुहूर्त निकला जा रहा है, आइए आइए। मैं जानती हूँ आपको बहुत दर्द हो रहा है, पर मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। मेरी फ्रेंड गोपी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए प्लीज। चलिए चलिए आइए। गोपी चल तैयार हो जा। अरे तुझे पटाखे की आवाज नहीं सुनाई दी? आवाज तो सुनाई दी, पर मुझे लगा कि मही ने दिवाली अनाउंसमेंट कर दी और गांव वाले पटाखे फोड़ रहे हैं ना। अब क्यों आई है तू यहाँ? मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। अरे गोपी, तू मही को क्यों डांट रही है? वो ही तो लेकर आई है तुम्हारे राहुल इंजीनियर को। राधा राधा, इंजीनियर नहीं राहुल जोशी बोल। अरे क्यों, तू ही तो राहुल इंजीनियर कह के बुलाती है उन्हें। अरे मतलब उससे गड़बड़ भी तो हो सकती है ना, अब इंजीनियर तो उनका पेशा है, और मुझे लगा इंजीनियर उनकी सरनेम है। और गोपी, तू मुझे पहले से नहीं बता सकती थी कि राहुल जी का सरनेम जोशी है, तो ये सब गड़बड़। मतलब अरे तूने गहने नहीं पहने अभी तक? मुझे लगा तू आके पहनाएंगी इसलिए। बस तो अब मैं आ गई हूँ ना, टेंशन किस बात का? चल चल गोपी, जल्दी तैयार हो जाते हैं, वरना बापू जी चिल्लाएंगे कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है।
अब देखना आशीर्वाद लेने के लिए झुक झुक कर दोनों की कमर टांग-टांग खेलने लगेगी। आपको भी थैंक यू, अगर उस दिन आप मेरी मदद शायद अच्छा होता अगर मदद ना की होती तो इतनी पिटाई तो नहीं होती राहुल इंजीनियर की। इंजीनियर नहीं राहुल जोशी बोलिए, और वो राहुल इंजीनियर तो बदमाश था, सड़ रहा होगा साबरमती जेल में। ओ हेलो, राहुल इंजीनियर दिल्ली में पकड़ा गया है तो वो तिहाड़ जेल में बंद होगा और साबरमती जेल अहमदाबाद में। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, जेल तो जेल है ना, थोड़ी ना कोई महल है। वाह ये तो कविता बन गई। जेल तो है जेल, वो थोड़ी है कोई महल। तो आओ हम मिलकर खाते हैं मीठी बेल। वाह वाह वाह, आफरीन आप पर। हैं? मतलब आपकी कविता पर। मतलब मुझ पर नहीं। मतलब दोनों पर। हाँ। चलिए चलिए एंजॉय। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये जो कुछ भी हुआ है ये राजी रहेगा या इनको। अरे अब क्या टेंशन लेना, आज रात को पटाखे फूट जाएंगे, सारा राज खुल जाएगा और वो गोपी का चेहरा तो देखने लायक होगा, है ना, मजा आ जाएगा। चलिए चलिए अभी। अरे गोपी सगाई हो गई। अरे फिर क्या, हमने उनका मेकअप करवाया और कपड़े चेंज करवा के फटाक से यहाँ लेकर आ गए। मतलब वो गाड़ी का टायर वायर पंचर नहीं हुआ था? नहीं नहीं वो तो मैंने ऐसे ही फेक मारा था। अरे बाप रे। देखा है मु? क्या कह रहा था मैं? भाई, अगर कुछ ज्यादा हो जाता तो, अरे गोपी की मंगनी टूट जाती और गांव की नाक कट जाती वो अलग। पर बापूजी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर हो जाता तो देख लेते। मतलब तू कभी नहीं सुधरेगी। बापूजी जब आपकी उम्र की हो जाऊंगी ना तब सुधर जाऊंगी, तब तक बस मुझे मजे करने दीजिए और आप भी मजे कीजिए ना। क्यों टेंशन ले रहे हो आप फालतू में? तेरा बाप हूं ना इसलिए। पता नहीं क्या होगा तेरा। जो होगा वो अच्छा ही होगा बापूजी। पर मोटी बहन जो कुछ भी हुआ उसकी हमें भनक तक नहीं आने दी, ये सब कैसे मैनेज किया आपने? अरे हेमू, गोपी और राहुल जी होने वाले थे एंगेज। हाय हाय वाह। गोपी और राहुल जी होने वाले थे एंगेज। वाह वाह वाह। पवार को अपने ढंग से किया मही ने मैनेज, मही का दिमाग है। आई वोल्टेज। सॉरी हाँ गोपी। किसलिए सॉरी? अरे तूने थोड़ी ना कुछ गलत किया है, तूने तो हमेशा ही मेरा भला चाहा है। पर वो राहुल सच में वो फ्रॉड राहुल इंजीनियर होता तो? नहीं तो गोपी मुझे भी यही लगा। पता है जैसे अर्जुन को वो सिर्फ मछली की आंखें दिखती थी, मुझे भी सिर्फ तेरा ही चेहरा दिखता था। इसलिए भी मैंने तो ठान लिया कि गोपी की लाइफ को बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ पर मही ये जो सब कुछ हुआ उससे हमें तो नुकसान ही हुआ ना। वो कैसे? वो ऐसे कि गोपी के साथ साथ हमने हमारी पसंद के भी तो ड्रेस मंगवाए थे। अरे हाँ
और वो राहुल जी गुस्से में ड्रेस देना ही भूल गए तो हुआ ना नुकसान। अरे हाँ राधा, लेकिन वो उस ड्रेस का करेंगे क्या? कुछ नहीं, खुद पहन के मॉडलिंग करेंगे और क्या। नहीं। ओ हो, अब इसे रूठने भी लगी, देखो देखो। आए हाय, मुझे तुम सबसे बात नहीं करनी। अब इसे शर्माने भी लगी। बापूजी जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी यार, चने खा खा के थक गई मैं तो। देख रही है ना, बना रहा हूँ मैं। काका हाँ, मैं कुछ मदद करूँ? हाँ हाँ प्लीज कर दो ना मदद, थोड़ा जल्दी खाना बनेगा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या करो ना, मेहमान है हमारे। हाँ बापूजी, एक दो दिन जो रहते हैं उसे मेहमान कहते हैं, इन्होंने तो देश की धड़कन के नाम पे यही डेरा जमा दिया। चुप भी कर तू, क्या बोले जा रही सुबह से। अरे काका ठीक है, इसे बोलने दीजिए, अब तो मही की मुझे आदत पड़ गई है, मैं उसकी रग रग जान चुका हूँ। अच्छा तो बताइए ना, किस टाइप का खून बहता है मेरी रगों में? तुम्हारी रगों में खून नहीं, मस्ती मजाक दौड़ रहे। दूसरों को अनजाने में हैरान करना और फिर तुरंत उनके लिए कुछ अच्छा कर गुजरने की जज्बात दौड़ रहे। अरे वाह, तो जब खून निकालने की नौबत आएगी ना, तो डॉक्टर तो मेरी रगों में से मजाक मस्ती और जज्बात निकालेंगे, है ना हेमू? सॉरी सागर जी, मैं तो मजाक कर रही थी, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई तो मिला मुझे अच्छे से समझने वाला। लो चना खाओ। अरे अब तू हमें समझने की कोशिश कर बेटा, खाना बनाने में मदद कर हमें, नहीं तो बेटा अब ससुराल जाएगी ना। तो आज तू जिस तरह से यहाँ बैठी है ना, उसी तरह तेरे सास ससुर और दूल्हा बैठे होंगे, तुझे खाना बनाना पड़ेगा, समझी? शुरू हो गया ना आपका रोज का प्रोग्राम। तू सुनती नहीं है ना मेरा। ठीक है तो आज मैं सुन लेती। मैं ना आनंद से रसोई की बुक लाई हूँ, तो उसमें से देख देख के मैं खाना बना लूंगी, चलेगा? तो बताओ मुझे क्या बनाना है। और माँ आप ना ऊपर ही बैठी बैठी रोना, क्योंकि अब तो मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकती ना। हे भगवान, इसकी माँ ने ऐसा सपना क्यों देखा? काका कैसा सपना, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया। बापूजी पूरी बात बताइए ना, आधी अधूरी बात क्यों बताते हो? फिर सब लोग मेरी गलती निकालते कि मुझे खाना बनाना नहीं सीखना, इसलिए मैं नाटक करती रहती हूँ। धीरे धीरे सबको यही लगने लगेगा, समझी तू? सागर जी आप बैठिए, मैं बताती हूँ आपको। ये 10 साल पहले की बात है, हुआ यूं था कि मैं हेमू और माँ हम तीनों मामा जी के घर से लौट रहे थे। हम लोग रिक्शा में थे और अचानक ही एक ट्रक बेकाबू होकर हमारे रिक्शा की तरफ आ रही थी। माँ ने मुझे और हेमू को धक्का दे दिया और खुद रिक्शा में रह गए। और अचानक ही ट्रक और रिक्शा का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। मुझे और हेमू को ज्यादा चोट नहीं है, पर माँ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई। हम उन्हें तुरंत नड़ियाद के हॉस्पिटल में भी ले गए थे और वहां उन्हें लगा कि वो बच नहीं पाएगी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा बेटा मैं भगवान के पास जा रही हूँ, अब मैं लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगी। तब मैंने उनसे पूछा कि माँ मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, तो हेमू और बापूजी को खाना बना के कौन खिलाएगा? तब
माँ ने कहा कि बेटा बापूजी सब संभालेंगे, तो चिंता मत कर। और ये भी कहा कि भले मैं तुझे खाना बनाना नहीं सिखा सकी, पर तू अपनी सास से जरूर सीख लेना, क्योंकि सास भी तो माँ ही होती है ना।